मैं भगवान की कितनी पूजा करती हूँ, शिद्दत से उसे मानती हूँ, उसको पूजती हूँ, फिर भी गलत में गलत को होते हुए रोकता क्यों नहीं? अगर मन में ऐसा ही कोई सवाल है तो आज का ये सत्य प्रसंग आपको अपने प्रभु पे थोड़ा और विश्वास जगाने में मदद करेगा। ये सत्य घटना है MP सीहोर जगह की, जहाँ पे एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वो अकेले नहीं रहती थी, अम्मा जी की दो बहुएं दो बेटे थे, समृद्ध परिवार, खुशहाल था कि नहीं ये आगे जानते हैं। माई लजगोपाल को पूजती थी और बहुत ही शिद्दत से, सुबह शाम भोग लगाना, प्यास का बिन प्यास का खाना खाना और जो भगवान को भोग लगाना वही ग्रहण करना, दिनचर्या ऐसे ही बीत रही थी। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी, कोई ना कोई बीमारी घेर ही लेती है वृद्ध अवस्था में, और ऐसा ही उनके साथ हुआ। अब वो एक कोने में पड़ी रहती, घर बहुत बड़ा था, क्योंकि शहरों के घरों की तरह एक फ्लैट नहीं होता है जिसमें तीन कमरे होते हैं बहुत ही पास पास, नहीं वो घर काफ़ी बड़ा था, बड़ा सा आंगन था, एक तरफ लड्डू गोपाल और एक तरफ उनका कमरा। कभी कभार अपने बच्चों की बहुओं से कहती कि लड्डू गोपाल को भोग लगा दो, उनकी पूजा कर दो, तो कभी कोई बहू कर दिया करती। मगर कहते हैं ना, जब तक अंदर से इच्छा ना हो तो बेमन से की हुई पूजा उसी प्रकार ग्रहण की जाती है जिस तरह से वो दी जाती है, और ऐसा ही कुछ था। अब माई जानती थी कि लड्डू गोपाल को उतनी श्रद्धा से पूजा नहीं जा रहा है, मगर वृद्ध विवश थी, अपने पोते पोती से कभी पूछ लिया करती कि मम्मी ने लड्डू गोपाल को नहलाया, पूजा करी, भोग लगाया? बच्चे भी बच्चे होते हैं, कभी कुछ जवाब दे देते, कभी हाँ कभी ना कह के खेलने चले जाते। वृद्धा उठने की अवस्था में नहीं थी, अपने कमरे से वॉशरूम तक जाना और वापस आना ही उसके लिए दुर्भर था, फिर भगवान के पास चक्कर काटना और उसकी सेवा करना तो असंभव ही समझिए। लेकिन दिल में पूरा भाव था भगवान के लिए, और मन ही मन दुखी हुआ करती थी। जब भी उनकी कोई भी बहू उन्हें खाना देने आती तो उन्हें समझाती, अक्सर वो अपनी बड़ी बहू को समझाया करती कि बहू देखो, तुम्हारी छोटी जो है ना वो अभी उम्र में कम है, लेकिन तुम तो तकाजे पे हो, तुमने तो मुझे कितने सालों से लड्डू गोपाल की पूजा करते देखा है, तो तुम क्यों नहीं पूजा करती हो? उसी दिल से पूजा किया करो, उसका इंतज़ार मत किया करो कि वो नहाए कि ना नहाए, तुम तो नहा लेती हो ना समय से, बस नहा के लड्डू गोपाल को नहला के तुम भोग लगाया करो, ठीक है? जो मुझे देती हो वही उन्हें खिला दिया करो पहले। और ऐसे ही कुछ दिन तक वो बोलती रही, लेकिन जब बड़ी बहू पे कोई असर ना दिखा तो छोटी को समझाया। अब तो जैसे जी का जंजाल हो गया था उनकी माई के पास उनको खाना लेके जाना, एक दूसरे को कहती तुम दे आओ और वो कहती तुम दे आओ, कौन सुने माई की चिक चिक। अब उनकी और अपने लड्डू गोपाल के लिए चिंता और उसके लिए कही भी कुछ बातें उनको चिक चिक लगती, फालतू बेफिजूल की बातें लगती। उन्हें लगता है कि जितनी देर हम इसके पीछे लगे रहेंगे उतनी देर आराम कर लेंगे, सो जाएंगे और कोई काम कर लेंगे, मगर ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिल से कनेक्शन नहीं था। जब तक हम दिल से किसी को अपना नहीं मानते हैं तब तक उसके लिए कुछ भी करना हमें भारी पड़ता है। अब माई की उम्र हो गई, एक बार माई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, माई को अस्पताल ले जाया गया और माई वैकुंठ पधार गई। अब घर में माई न थी, कह लीजिए लड्डू गोपाल तो जैसे अनाथ हो गए, हालांकि भगवान अनाथ नहीं होते, मगर परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी। अब लड्डू गोपाल को सुबह उठ के कभी कोई नहला देता तो कभी कोई, दोनों में से, मगर भोग का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि पहले तो लसन प्याज के बिना खाना बनता था माई के लिए, अब माई भी ना थी तो खाना बनाना भी उनको उलझन लगता, बिन लसन प्याज के ऑफिस के लिए टिफ़िन या बच्चों को टिफ़िन नहीं दिया करते थे, और खाना थोड़ा बेस्वाद हो ही जाता है, तो उनको यही लगता था कि खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा अगर बिना लसन प्याज के बनाएंगे तो, और कौन इतने झाड़ में पड़ा रहे दो तरह का खाना, तो नहीं बनाते थे। कभी लड्डू गोपाल को भूख लगता तो कभी ऐसे ही रह जाते, कई कई दिन हो गए ऐसे ही। तब कोई उनके पास कुछ पूछने आया, कुछ बताने आया, तो उन्होंने लड्डू गोपाल की अवस्था को देखा। उस पड़ोसन ने उनसे कहा कि माई तो बड़ी ही शिद्दत से पूजा किया करती थी, तुमने क्या किया, वह कोई भोग वगैरह उनके सामने नहीं रखा? तो दोनों की दोनों हिचकिचाने लगी,
और कहने लगी कि इतना काम होता है घर पे, कैसे करें क्या करें समझ में नहीं आता है, दो प्रकार का खाना बनाना, फिर बच्चों को देखना, इन लोगों को देखना, घर का काम करना हो नहीं पाता है। सरल बात मैं बताऊं तो जब तक दिल से कनेक्शन ना हो तब तक समय निकालना भी बहुत मुश्किल है। ये वो महिला समझ गई और उन्होंने कहा, अगर आप लोग भगवान के लिए भोग नहीं बना सकते हैं तो आप लोग मिश्री का भोग उन्हें लगा सकते हैं। अब तो जैसे चांदी हो गई, खुश हो गई दोनों, क्योंकि मिश्री होती सस्ती है और बहुत सारी आ जाती है। करीबन आधा किलो का डब्बा उन्होंने मंगाया और भगवान के आगे दो दो दाने मिश्री के रखने शुरू किए, ख़त्म किया काम। अब भगवान को रूखा सूखा मिश्री चढ़ा दिया जाता। अब जो दो चार फल फूल मिष्ठान आया करते थे उसकी भी चिंता टल गई। भगवान कुछ ना बोले। तब भगवान के पास एक दिन, लड्डू गोपाल के पास एक दिन उनका बड़ी वाली बहू का बेटा आया, लेकिन उससे पहले भगवान की कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई थी कि मिश्री कभी तो ऐसे ही पड़ी रह जाती, कभी वो दूध में डाल देते, कभी चाय में डाल देते, तो कभी उसे चींटियाँ लग जाती, और चींटियाँ लगती तो कौन उसे दोबारा खाए वाला हिसाब था, कभी इधर पड़े रह जाता तो कभी उधर पड़ा रह जाता। भगवान को लगा हुआ भोग का प्रसाद भी उनके लिए व्यर्थ था, एकदम व्यर्थ। तभी एक दिन की बात है, उसी मिश्री को लेने के लिए बड़ी वाली बहू का बेटा आया और वो स्टूल लगाकर ऊपर चढ़ा, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल को थोड़ा ऊंचाई पे रखा हुआ था, और तभी अचानक से वो स्लिप होकर नीचे गिर गया जिससे उसका पैर टूट गया। आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया और पैर पे फ्रैक्चर लग गया। उसकी माँ को एक और जिम्मेदारी मिल गई। अब बेटा बीमार था जिसका नाम शौर्य था, तो उसकी माँ ने कहा, नहीं मैं अब लड्डू गोपाल का पूजा नहीं करूँ, क्योंकि देखो ना, इन लड्डू गोपाल ने ही मेरे बेटे को चोट लगा दी है, मैं तो अब नहीं कर सकती पूजा। ये सुनकर छोटी वाली के पास कोई और विकल्प ना बचा, अब उसी को लड्डू गोपाल को नित्य कर्म से नहलाना और भोग लगाना था, वो करने लगी। अब जैसे धीरे धीरे वो नित्य क्रम से करती, दिन प्रतिदिन उसके अंदर भगवान के लिए एक छोटा सा भाव जगा और वो भाव ने विश्वास का एक डोर बांधा जिससे उसके अंदर भगवान के लिए श्रद्धा बढ़ी। अब वो ये सोचने लगी कि भगवान को मानना इतना मुश्किल भी नहीं, माई इतने सालों से पूजित लड्डू गोपाल को हमें देके गई है तो हमें इन्हें रखना चाहिए, संभालना चाहिए, अब भगवान ही तो हैं, इनकी पूजा करेंगे तो अंततः कुछ मिले ना मिले मोक्ष ज़रूर मिलेगा। और ये अपनी माई की कही हुई उन बातों को दिमाग में रिकॉल करके वो अब थोड़ा बहुत श्रद्धा भाव लगाकर भगवान को पूजने लगी, क्योंकि विकल्प और कोई था नहीं तो उसे करना ही था, तो दिल लगाकर करने लगी। और धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने शुरू हुए, जिन बदलाव ने लड्डू गोपाल के लिए अपने लिए जगह बना दी और उन माई का सपना साकार होता रहा, होना शुरू हो गया जो अपने लड्डू गोपाल को अनाथ छोड़ गई थी। अब छोटी बहू ने लड्डू गोपाल को अपनाया और उनकी पूजा नित्य क्रम से करना शुरू किया। धीरे धीरे बड़ी वाली बहू के बेटे की तबीयत भी ठीक हो गई और छोटी वाली बहू ने बड़ी वाली को समझाया कि दीदी अगर आपसे नहीं हो पाता कोई बात नहीं, मैं लड्डू गोपाल का करूँगी। और छोटी को ये देखते, ये करते देख बड़ी वाली के अंदर भी भाव उत्पन्न हुए और भगवान ने धीरे धीरे ही सही सबके दिल में जगह बनाई। तो कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल भगवान एकदम से कोई जवाब दे दें, ऐसे नहीं। उन्होंने तो जब कौरवों को मारने के बाद गांधारी को भी क्रोध करते देख, जिसमें उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम्हारी जिस तरह से मेरे बच्चे मरे हैं उसी तरह से तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, उस समय भी पलट कर कोई जवाब न दिया, मुस्कुराया, तो फिर हम तो उनके आगे तुच्छ से मानव हैं, हम तो क्या ही भगवान हमें देंगे। लेकिन कर्म है, वापस लौट कर आते हैं, ये याद रखिए और उसी के अनुसार कर्म कीजिए। आज का ये सत्य प्रसंग MP की माई का था, जिसे उन्हीं की पड़ोसन ने हमें सुनाया था और बताया था कि कैसे हम मैंने ही एक घर में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा, एक जनरेशन के अंदर जिसके अंदर बिल्कुल भी किसी भगवान के लिए भाव नहीं था, लड्डू गोपाल ने अपने लिए भाव उत्पादित किए और फिर असंभव को संभव कर दिखाया, क्योंकि भगवान के लिए कुछ असंभव थोड़ी ना है। तो आज का सत्य प्रसंग यहीं तक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं मानती हूँ भक्ति जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है।
और फिर कमेंट में लिखते हुए जाइएगा श्री कृष्णा राधे राधे, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।